भिलाई के वार्ड 7 शिवाजी नगर में स्थापित की गई विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूरे 9 दिनों तक विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद शिवाजी नगर गणेश उत्सव समिति द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। पूरे शहर भर में भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को वार्ड 7 शिवाजी नगर में क्षेत्रवासियों द्वारा विराजित किए गए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना एवं आरती कर अंतिम विदाई दी गई और ढोल नगाड़ों की थाप पर पूरे क्षेत्र का भ्रमण कराया गया, जिससे क्षेत्रवासियों ने भी विघ्नहर्ता भगवान गणेश के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। विगत 2 वर्षों से बहुत ही छोटे पैमाने पर शिवाजी नगर गणेश उत्सव समिति द्वारा गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा था, परंतु इस वर्ष कोरोना का खतरा टलने से क्षेत्रवासियों ने पूरे उत्साह के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित कर 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से उनकी आराधना की और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। शुक्रवार को भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं सहित अन्य क्षेत्रवासी भी उपस्थित हुए। भगवान गणेश की प्रतिमा को दाऊबाड़ा तालाब में आरती करने के पश्चात विसर्जित किया गया। साथ ही शिवाजी नगर गणेश उत्सव समिति के सदस्य एवं महिला समिति की अध्यक्षा ने कार्यक्रम की जानकारी न्यूज टीम को दी। हमारे यहाँ गणेश जी को भी 34वां साल हो गया, 34 साल पूरे और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से उनकी आराधना की है और सभी लोग पूरे पढ़ने वाले मिल के उनका पूरा विधि विधान से पूजा, बड़ा मन प्रसन्न रहता था
अब हम उनकी कामना है कि सभी लोग खुश रहे, सुखी रहे, किसी के तकलीफ सबकी दूर हो जाए और सब खुशहाली बने। हमने 10 दिन गणपति उत्सव बहुत ही उमंग और उत्साह से मनाया है, लेकिन आज जब गणेश भगवान की विदाई कर रहे हैं तो मन में दुख भी लग रहा है, लेकिन भगवान से यही आशीर्वाद मांग रहे हैं कि सब खुश रहें और सबका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहे और कोविड जैसी बीमारी फिर कभी किसी को ना आए। सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अगले साल गणेश जी का उतना ही उत्साह और उमंग से हम फिर से मनाएंगे। इस वर्ष पूरे विश्व में विघ्नहर्ता भगवान गणेश से कामना की गई है कि अब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी दोबारा कभी ना हो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।